लगातार 3-4 दिनों से तापमान में गिरावट फसलों के लिए है राहत की ठंड। इससे पूर्व ठंड नहीं पड़ने से चिंतित थे किसान। जिले में पिछले 3-4 दिनों से ठंड का असर तेज हो गया है, किसानों के लिए है यह अच्छा संकेत। थोड़ा लेट ही सही, मगर अब उनकी फसलों के अनुकूल मौसम मिल रहा है, जो खेती में खड़ी सभी तरह की रबी की फसलों के लिए है फायदेमंद। खासकर जीरे के लिए ठंड का मौसम है कारगर। अगर आगामी एक पखवाड़े तक लगातार ठंड पड़ती है तो जीरे की फसल में होगी अच्छी ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ सर्दी के मौसम के बावजूद कृषि उपज मंडी में जीरे के भाव गर्मी ला चुके हैं। जीरे ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30,000 रुपये प्रति क्विंटल के आंकड़े को छू लिया है। आजकल मौसम में सर्द हवाएं चलने के साथ साथ सुबह सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इससे आम आदमी भले ही ठंड से ठिठुर रहा है, लेकिन अन्नदाता के लिए यह सर्दी सुहानी और फायदेमंद सिद्ध होगी। अगले दिन का जिले का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की है संभावना। दरअसल देश के उत्तरी इलाकों और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से जिले भर में कड़ाके की सर्दी का दौर रहेगा जारी। पारा लगातार जमाव बिंदु की तरफ बढ़ गया है। इस सीजन का न्यूनतम स्तर 1.7 डिग्री सेल्सियस रविवार को दर्ज किया गया तथा इसके साथ ही नागौर प्रदेश का तीसरा सबसे ठंडा जिला बना। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर सोमवार को नागौर में भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार आउट हो रहे हैं, इससे मेहनत करने वाले युवाओं के साथ हो रहा है खिलवाड़। बीते 24 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का जीके का पेपर लीक हो गया था तथा पेपर को कर दिया गया था निरस्त। इसे लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि 10 साल में 1 दर्जन से ज़्यादा भर्तियों के पेपर आउट हो चुके हैं, जिससे परीक्षार्थियों को करना पड़ रहा है भारी नुकसान का सामना। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुलिस मुख्यालय और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी परीक्षा को पारदर्शी ढंग से नहीं करवा पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर आउट होना, नकल माफियाओं, पेपर आउट गिरोह और प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं होना है। उन्होंने कहा कि नेताओं और अधिकारियों का भी इन अपराधियों को शरण प्राप्त है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रखा गया था विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम। उसी अनुसार हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे, ज्ञापन दिया है। अभी हमारी यही मांग है कि करीब पिछले 10 सालों में दर्जन पर भर्तियाँ हुई, सभी में पेपर लीक मामले के कारण किसी को रद्द किया, किसी को रद्द नहीं किया, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने नहीं की और न ही कोई कार्रवाई होने की हमें उम्मीद है। हमें इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें पेपर बेचने वाले दलाल हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुख्यतः तो जैसे हम ज़्यादातर किसान परिवार से हैं, शहर में रहते हैं, एक भारी पैसों के खर्चे होता है। उसके बाद जब हम पेपर दे के आते हैं तो हमारे पिता पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, फिर हम नम आंखों से बताते हैं कि तैयारी तो खूब थी लेकिन रद्द हो गया। तो काफ़ी हद तक उन्हें ठेस पहुँचती है और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि अखिल भारतीय दाईमा दादीज ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में लक्ष्मी नारायण दादीज को सर्वाधिक मत मिलने पर किया गया निर्वाचित। निर्वाचन अधिकारी शिवदयाल शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय दाईमा दादीज ब्राह्मण महासभा के चुनाव नागौर के गोट मांगलोद माताजी मंदिर के दादीज चौक में हुए सम्पन्न। इस चुनाव में कुल 6 प्रत्याशियों ने लिया भाग तथा 1962 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। लक्ष्मी नारायण दादीज को 1337 मत प्राप्त हुए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश प्रसाद को 366 मत मिले। चुनाव के दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस का भी रहा सहयोग। चुनाव के पश्चात लक्ष्मी नारायण दादीज को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवा कर दिया गया प्रमाण पत्र। नागौर और मेड़ता मंडी में लगातार मूंग के साथ साथ अन्य फसलों की भी आवक है जारी।
जीरे ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए मारी है भारी उछाल, कल भी बिका 29,000 रुपये प्रति क्विंटल। मेड़ता कृषि उपज मंडी में मूंग न्यूनतम 6,200 से अधिकतम 7,500, चना 4,465 से 4,650, गवार 5,420 से 5,700, जीरा 22,900 से 29,000, सुवा 7,500 से 8,300, सौंप 11,000 से 13,000, रायडा 6,017 से 6,480, तारामीरा 4,900 से 5,100, इसबगोल 14,500 से 16,250, कपास 7,400 से 8,400 और असालिया 6,500 से 7,500 रुपये के बीच बिका। वहीं नागौर कृषि उपज मंडी में जीरा 20,000 से 29,500, गवार 5,000 से 5,700, मूंग 6,000 से 7,600, सौंप 10,000 से 14,500, इसबगोल 11,000 से 15,800, तिल 10,000 से 14,500, जवार 3,000 से 4,200, सरसों 5,500 से 6,350, तारामीरा 4,500 से 5,000, चना 3,800 से 4,400 तथा मेथी 4,800 से 5,400 रुपये के बीच बिकी। नागौर जिले के किसानों ने बीमा कंपनी द्वारा रद्द की गई किसानों की फसल बीमा पॉलिसियों को बहाल करने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले कल कलेक्ट्रेट पर धरना देकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। संगठन के जिला अध्यक्ष अर्जुन राम ने बताया कि फसल को बीमा क्लेम राशि आज तक नहीं मिली है। पूर्व में नागौर कृषि कार्यालय में बैठक के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था, परंतु उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। मारवाड़ मुंडवा की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का लाभ देते हुए करवाया जा रहा है ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण। विद्यालय के प्राचार्य भंवरलाल जाट ने बताया कि बालिकाओं के मानसिक विकास में शैक्षणिक टूर एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण का है विशेष महत्व। इस भूमिका को लेकर रविवार को 40 बालिकाओं के दल को पुष्कर, अजमेर सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का करवाया गया भ्रमण। अजमेर भ्रमण के दौरान वहां के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कटारा ने भी बालिकाओं को अजमेर के इतिहास के बारे में दी जानकारी। बड़ी उपखंड मुख्यालय पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार कनिष्ठ अभियंता मनीष कुमावत ने 11 कार्मिकों की टीम के साथ क्षेत्र के जड़ाव एवं जींटियां में बकाया राशि वसूलते हुए 15 कनेक्शन काटने की कार्रवाई। साथ ही कार्रवाई में 2 ट्रांसफार्मर को भी किया गया जब्त। इस मौके पर कार्मिकों ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी। जिला मुख्यालय नागौर पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला स्तरीय स्टाफ काउंसिल बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में लगभग 50 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया भाग। जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने कार्मिकों की समस्याओं को सुनकर उनके शीघ्र निस्तारण के लिए दिए निर्देश। कार्मिकों की पुलिस मुख्यालय स्तर की समस्याओं को भी नोट कर भिजवाया गया जयपुर। पुलिस कार्मिकों के साप्ताहिक विश्राम के संदर्भ में भी इस मौके पर की गई विस्तृत रूप से चर्चा। कुचामन सिटी में सर्व समाज ने शुरू की नेकी की दीवार योजना। शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित पुरानी बुकिंग कार्यालय परिसर में एक विशेष दीवार बनाई गई है, जहां से बेसहारों को मिलेगी मदद। ईरान की तर्ज पर जो भी आपके पास अतिरिक्त है वहां पर दान करने को किया जाता है प्रेरित, तथा ज़रूरतमंद लोग वहां से कोई भी अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। लोगों ने इस जागरूकता को आतो हाथ अपनाते हुए अपने ओढ़ने, बिछाने, कपड़े सहित जूते एवं अन्य जरूरत के सामानों को दान करना कर दिया है शुरू। कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में सेवाभावी वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लुकमान खान का 26 वर्षीय राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम कल हुआ आयोजित। इस मौके पर शिक्षा नगरी की अनेक सामाजिक संस्थाओं ने उनकी सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया अभिनंदन। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के संस्थापक अध्यक्ष लॉयन राम काबरा सहित मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद शकील सहित अन्यों ने भी दी विदाई। जायल उपखंड के डे कस्बे में संचालित श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित।
इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर विधायक मंजू देवी मेघवाल ने शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सर्वांगीण विकास करने की मुहिम को लेकर निदेशक की सराहना। समारोह में बोर्ड परीक्षा में टॉपर विद्यार्थियों को लैपटॉप टेबलेट स्मृति चिन्ह प्रशंसा पत्र देकर किया गया सम्मानित। इस अवसर पर बच्चों ने भी देशभक्ति एवं विशिष्ट शिक्षा प्रद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर किया भाव विभोर। इस मौके पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास जांगिड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र प्रसाद शर्मा, तहसीलदार ताराचंद मीणा, सरपंच रणवीर सिंह उदावत, पंचायत समिति सदस्य जेटू सिंह सहित आसपास के गांवों से जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रहे मौजूद। संस्था निदेशक कालू सिंह बड़गुर्जर ने किया विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से निकाली गई कल नागौर शहर में यात्रा तथा अमर बलिदानी हेमू कल्याणी जन्म शताब्दी वर्ष मनाते हुए जन जागरण यात्रा के दौरान जगह जगह पर हुआ भव्य स्वागत। यह है न्यूज 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।